की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेपी थापर इन सब का रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है राउंड वन का। कहीं ना कहीं अब कुछ आगे का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग और प्रॉब्लम्स अभी जो आ रही हैं उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और ये लाइव सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। हम लोग इसको शॉर्ट में इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है? जो आपकी डाउट क्वेरीज हैं वो आप मेरे को शेयर कर देना एक बार। हाँ, हेलो, हाय सक्षम, हाउ आर यू? एस्पिरेंट के नेम से भाई कौन है? हेलो, आई फील्ड फॉर राउंड टू। ओके, आपसे आपके रिगार्डिंग भी हम लोग बात कर लेंगे, कोई सिव नहीं है। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ सारे लोग। मैं भी थोड़ा सा अभी सिस्टम ओपन कर लेता हूँ और देन एक बार देखें जरा जी मेरा लाइव कहाँ चल रहा है। सर वेटिंग लिस्ट है। ओके ठीक है, ठीक है। अंशुमन का भाई वेटिंग लिस्ट किस पे दिखा रहा है? अभी कुछ अलॉट तो किया होगा ना, उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट डालेंगे। आई गॉट कंप्यूटर ऑफ इंजीनियरिंग इन अ पटियाला, डज आई वेट फॉर अ नेक्स्ट काउंसलिंग? हाँ ठीक है, ऑफकोर्स आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए जाएं, आप कोई दिक्कत नहीं है। 72 परसेंटाइल 80 कैटेगरी, अब आएगा तो लोअर ब्रांच आएगा लेकिन अब सीएससी वगैरह तो टॉप का नहीं मिल पाएगा। देखो तो आज का लाइव सेशन थोड़ा सा यार छोटा रहेगा ताकि हम इसमें जल्दी जल्दी से सारा वाइंड अप करने वाले हैं। 72 परसेंटाइल 80 कैटेगरी आईटी लखनऊ, क्या क्या मिलेगा? लेकिन लोअर मिलेगा यार, और उसके लिए भी आपको एकदम परफेक्ट तरीके से काउंसलिंग करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आ जाओ भाई सारे लोग आ जाओ। अच्छा कुछ मेरे क्वेश्चन हैं आप सभी के। जैसे थापर में कुछ लोगों ने ईमेल किया कि आगे जैसे कि जेपी का जो कुछ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला जेपी का डिस्कशन ये है कि 35,000 अमाउंट अगर हम पे कर देंगे 15,000 के बाद में वो रिफंडेबल होंगे कि नहीं होंगे, और वो किस केस में रिफंडेबल है, वो किस केस में नॉन रिफंडेबल है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। पहला ये, अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी ने ईमेल किया हो, बिकॉज जो प्रीवियस लाइव सेशन रहा था उसमें ये मैंने बात बोली थी कि आप लोग एक बार ईमेल ड्रॉप कर देना। फिलहाल मैंने ईमेल किया था तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो इन केस अगर किसी ने ईमेल किया हुआ है तो प्लीज़ एक बार अपडेट कर दो कमेंट करके, तो उससे रिलेटेड फिर हम लोग बात कर लेंगे। और ऑफिशियल अगर कोई ईमेल आया हुआ है तो आप मुझे nikhil@careerkick.in पर आप ईमेल कर देना मुझे फॉरवर्ड, ठीक है? दूसरा डाउट ये है थापर वालों के लिए। थापर वालों का बहुत ज़्यादा डाउट ये है, मतलब एक कॉमन डाउट है, थापर का हो बच्चा या जेपी का हो, उसका कहना ये है कि क्या सर हम सेकेंड राउंड में भाई अपग्रेड हो गए, हमको कोई ब्रांच मिल जाए तो हम आगे की फीस पे करें, नहीं तो हम ना फीस पे करें, राइट? सर गलगोटिया की मेरिट लिस्ट कब आएगी? गलगोटिया का कॉलेज का कोई मेरिट लिस्ट नहीं रिलीज होगा, सीधा ऑफर लेटर दे देगा वो। अगर आप एलिजिबल होंगे, अगर उसको लगेगा देना चाहिए तो अपना डैशबोर्ड ओपन करके देखते रहो, वो ऑफर लेटर दे देगा सीधा, ठीक है? सेक्टर 128 में सीएससी मिलेगी? सीएससी नहीं आएगा, ईसी का एक बार देखा जा सकता है, मैक्स टू मैक्स से ज्यादा कुछ मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ। 96.40 में चीत में कौन सा जे आई आई टी है? अब जे डबल ई टी कौन सा है? इट्स ओ इट इज निखिल, ये कौन है भाई? 12th के थ्रू काउंसलिंग हो रहा है या जे मेन के थ्रू? अभी हाँ जेपी का मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि अभी जो काउंसलिंग ऑन गोइंग है वो 10+2 के बिहाफ पर हो रही है। जेई की काउंसलिंग के लिए वो लोग नोटिफिकेशन या अपडेट कुछ ना कुछ देंगे, तो देन उसके बाद में काउंसलिंग होगी। कुछ दिन पहले एक बच्चे ने ईमेल किया था तो फाइनली अभी जो रिस्पॉन्स है, जो अभी के लिए अपडेट है वो ये है कि जो आगे का जेई का काउंसलिंग होगा उसके लिए वो लोग जेई मेन का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सीआरएल रैंक का वेट कर रहे हैं। जैसे ही रैंक आउट हो जाती है देन वो काउंसलिंग अपने स्टार्ट कर देंगे। 96.33, तो मैं बोलूंगा कि आई थिंक आपको सीएससी 128 आ गया होगा और हो सकता है आईटी भी मिल गया हो आपको। भैया कौन कोई हर्ष गुप्ता बोल रहे हैं, भैया कोई सीट नहीं मिली क्या कॉलेज जाके कंफर्म हो सकता है? नहीं, कॉलेज जाकर कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा आप सभी का, बड़ा सिंपल सा है। कॉलेज जाकर आप क्या कंफर्म करोगे, सारा प्रोसेस ऑनलाइन चल रहा है, और देन ऑफलाइन में सच कुछ नहीं है ऐसा कि ऑफलाइन आप डायरेक्टली जेपी में जाएंगे और देन वो आपको मोस्ट वेलकम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा।
संध्या अग्रवाल सर, 128 में सीएससी मिली थी, मिली है क्या आईटी 62 में? बेटा परसेंटेज क्या है ये तो बताओ, अब देन मैं बता पाऊंगा। सारे लोग लाइक करते जाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाया करे यार वीडियो। मैं देख रहा हूँ कि जेआईआईटी की रिगार्डिंग वीडियो सब बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, रोज़ सिमिलर वही क्वेरीज आती हैं जिनको हम लोग लाइव सेशन में रेगुलर, अभी आने का वही रीज़न है क्योंकि अभी एज सच कोई हम इसमें सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे अपने बच्चों को। मैं चाह रहा हूँ कि जेपी का जो है काउंसलिंग है कि हम पूरा का पूरा हेल्प आउट करें और आपके लिए एक, बिकॉज 10+2 का जो काउंसलिंग है वो कोई आपको पूरी ड्यू में कोई भी आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो देन मैंने इसका प्लान किया हुआ है कि हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। सर ऑफर लेटर मिल गया है गलगुटिया का, बोल रहे हैं कि मेरिट लिस्ट आएगा। अब अगर ऑफर लेटर मिल गया है तो भाई प्रोविजनल लेटर दिया होगा उन्होंने। हर्ष गुप्ता 87.7 पे सीट मिलने का। अब देखो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ इश्यूज आते हैं, तो मैं बोलूँगा यार कि सारे लोग फ्री गाइडेंस फॉर्म फिल कर दो, है ना। और आई थिंक एक नंबर भी दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन पे, तो उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि अगर मेरे से कुछ बेसिक काउंसलिंग चाह रहे हैं, कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने बहुत ही नॉर्मल चार्जेस रखे हुए हैं। 1100 रुपीज़ के हमारे यहाँ पर जो बेसिक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप कॉलेज कंपटीशन वगैरह अगर इन केस करना चाहो, कोई आज सच वो मस्त नहीं है, इन केस अगर आप करना चाह रहे हैं, आप अगर पेरेंट्स, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं। हाँ यार, पेरेंट्स से याद आया कि मैं बोलूँगा कि जितने भी इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं या स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं या उनकी काउंसलिंग पेरेंट्स कर रहे हैं, तो नो डाउट आप लोग अपने टाइम पे कहीं ना कहीं वेल क्वालिफाइड रहे होंगे, क्योंकि काउंसलिंग करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क और उसमें एक अच्छी खासी रिसर्च की नीड होती है। तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मतलब एक बार कंसल्ट जरूर करें, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ों से आप सभी अपडेटेड नहीं हो पाते हो और देन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आप चीज़ें गलत कर देते हैं और देन बच्चे के फ्यूचर के साथ में प्रॉब्लम आ जाती है। वो सिर्फ उस वजह से क्योंकि हमको बच्चा तो पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करता है कि देन जो पापा देखेंगे वो अच्छा देखेंगे या जो मदर देख रही हैं वो अच्छा करेंगी, देन वो अपने लेवल पे तो अच्छा कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन क्या है ना कि एटलीस्ट आपको उस चीज़ का एक आकलन होगा, एक कहीं ना कहीं एक आइडिया हो कि ये एक एक्सपीरियंस लेवल पे कैसा जा रहा होगा, बिकॉज काउंसलिंग का 20% पार्ट ऐसा है कि जो आप एक्सपीरियंस से ही एक कहीं ना कहीं पा सकते हो। मतलब ऐसा जैसा कुछ नहीं कि आप डायरेक्टली अगर आप चाह रहे हो कि कुछ आपने जस्ट नॉर्मली चॉइस फिलिंग की और देन आपको अलॉटमेंट आ जाएगा, क्योंकि वो एक परस्पेक्टिव अलग है। तो आप लोग अगर चाहें तो एक बार हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आई सर आई नीड टू आस्क जेपी 50,000 फॉर काउंसलिंग फीस रिफंडेबल। अगर इन केस अगर आपका सीट अलॉटमेंट नहीं आता है तो जो नॉर्मली जो काउंसलिंग में होता है वो फीस आपकी रिफंडेबल कर देंगे। 15,000 काफ़ी सारा बड़ा अमाउंट है और उन्होंने ये चीज़ आई थिंक कहीं मेंशन नहीं की हुई है कि वो रिफंडेबल करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग रिफंडेबल करना चाहिए। दूसरा ये कि जब तक आप किसी कॉलेज का सीट नहीं खराब करते हैं, खराब मतलब नहीं करने का सेंस, तब तक आपका रिफंडेबल होता है। एक जैसे कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ और देन आपने सीएससीएस फिल कर रखा था, आपकी मेरिट बहुत डाउन थी, देन उस केस में फी रिफंडेबल होती है। दूसरा फॉर एग्जाम्पल कि अभी उसमें क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोई सीट अलॉट हुआ और देन हमने ब्लॉकिंग अमाउंट जमा किया, हमने अपग्रेडेशन करा लिया, फिर आगे चले गए, तो वो डिपेंड करता है कि कॉलेज की वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, वो किस जगह पर रिफंडेबल देंगे देन किस जगह पर नॉन रिफंडेबल देंगे। एक बार मैं ईमेल फिर भी चेक कर लेता हूँ, अभी मैंने आज जब किया था देन अभी तक तो नहीं आया, आई थिंक सैटरडे की वजह से हो सकता है वो रिस्पॉन्स ना कर रहे हों, बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ अगर उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स किया होगा। अभी एज सच तो कोई ईमेल मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, कोई ईमेल नहीं आया अभी तक, है ना। बाकी मैंने तो 2-3 ईमेल अटैच की थी फिलहाल, ठीक है। आई गॉट 83.7। देखो 83.7 वालों को तो जेपी में नहीं हो पाएगा, है ना, तो देन आप लोग और जगह का प्लान कर सकते हो।
अब इनमें से जैसे जिसका 92 के अराउंड है, 90 तक है, देन एक बार वो ईसी के लिए प्लान कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए होल्ड रह सकते हैं। या जिनका 80 to 90 के बीच में है, 70 से 80 के बीच में है, उनके लिए मैं बोलूँगा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। या तो आप AKTU के कॉलेज में मूव कर जाओ, अगर आप पंजाब जाना चाह रहे हो तो चितकारा एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और चितकारा के लिए आप, अगर हमारे प्रोसेस एसोसिएट लिंक है जो राफरल लिंक मिला हुआ है, तो अगर आप उसके थ्रू जाएंगे तो उसमें हम कुछ आपको स्कॉलरशिप जितनी भी होगी कॉलेज के साइड से वो प्रोवाइड करा देंगे। AKTU में अगर जो डायरेक्ट जाएंगे उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, और देन अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है मिलेगी तो वो उनको आइडिया नहीं है या वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। तो मैं बोलूंगा AKTU के अंदर जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं सारे के सारे काउंसलिंग से जाओ। AKTU के अंदर ऐसा कौन सा कॉलेज जो आपको काउंसलिंग से नहीं मिलेगा, बस आपका परसेंटाइल थोड़ा सा एटलीस्ट वेल एंड गुड हो बस। सर मेरा बता दो, GLA और JP गुना भी CS मिल गया है तो वॉट टू डू, वाई डाउन दिस 70-80 परसेंटाइल। देखो JP गुना भी कुछ खास नहीं है, GLA का भी फीस बराबर है, JP गुना के बराबर है। तो मैं इस केस में मैं बोलूंगा जैसे आपका जो प्रोफाइलिंग है यहाँ पर, या तो आपको किसी AKTU के कॉलेज में जाना चाहिए अगर आप कम बजट में देख रहे हो, 8 से 10 लाख के अंदर देख रहे हो, थोड़ा सा अगर आपका बजट वेल एंड गुड है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं क्या है इसके लिए मैं एक चीज बोल देता हूँ शिवम सर को, आई होप देख रहे होंगे आप वीडियो, तो इसमें एक बार जरा दिव्यांशु का नंबर पुट डाउन कर दीजिए ताकि वो अभी बच्चों को रिस्पॉन्स कर पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक मैम का नंबर इसमें है तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि कल संडे भी है। तो देन मैं चाहूँगा कि इस पे नंबर डिस्क्रिप्शन पे जो हेल्पलाइन नंबर जो हम लोग देते हैं वो दिव्यांशु का दे दें, मैं ही एक बार चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए। आप लोगों के जितने भी डाउट हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहें, अभी चलेगा और देख लाइव है ना। कार्तिक 93 में, हाँ 93 में, 128 में नहीं आया, 94 तक तो आया हुआ, कल एक बच्चे से बात हुआ था 94 तक तो आया हुआ जी। ठीक है चलो, अंजिन क्या पाठक 95 परसेंटेज में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आई गोटा सेक्टर 120। हाँ देखो 95.3 में ईसी आया है, बात समझ लो यहीं से, 95.3 में ईसी आया है। तो इन्होंने देखो क्या है ना कि काउंसलिंग का एक पार्ट मैं हमेशा बोलता हूँ आप सभी से कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अब जो ये बच्चे का परसेंटेज है आया हुआ है इस पे, इसको IT मिल सकता था, IT तक एक बार देखा जा सकता था, लेकिन इसको EC इसलिए आया हुआ है क्योंकि इसने EC ऑप्शन में रखा था। तो काउंसलिंग में एक चीज बड़े अच्छे से लिया जाता है कि मैं बोलूँगा कि अगर आपको काउंसलिंग का मैं बताऊँ, अगर आपको EC नहीं लेना है तो आप EC मत रखो। हाँ उस सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि EC अडॉप्ट करके हम अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक सिचुएशन एनालाइज करना पड़ेगा। और आज तो उसका डाउट है चितकारा CU LPU, तो मैं बोलूँगा चितकारा, आप चितकारा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चितकारा के एप्लीकेशन फॉर्म लिंक आप नीचे नंबर जो दे रखा है आप उनसे ले सकते हैं, जो भी स्कॉलरशिप वगैरह अगर आएगा इन केस आपके बिहाफ पर, JEE वगैरह अच्छा होगा तो उसके बिहाफ पर हम प्रोवाइड करा देंगे। शिवम सर भाई चितकारा का लिंक बच्चों को दे रखा है कि नहीं दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे? सारे लिंक तो पड़े हुए हैं, आई थिंक चितकारा का लिंक नहीं है कहीं पे, है ना। LPU का दे रखा है, LPU का जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका भी कूपन कोड है इसमें, हमारे लिंक के थ्रू सिर्फ 200 रुपीज़ का फॉर्म है। चितकारा में भी कैशबैक प्रोसेस है ना, उसके लिए आप हमारी टीम से एक बार कंसल्ट कर लो। बाकी मैं चितकारा का लिंक आपको दे दूंगा,
शिवम सर अगर वीडियो देख रहे हो या दिव्यांशु देख रहे हैं एक बार तो प्लीज बोल दो उनको, छिटकारा का लिंक डाल दें। मैं थोड़ा सा यार शेयर कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को ही देखना पड़ेगा, लिंक मेरे पास में ही है बेसिकली छिटकारा का। कहाँ है जी छिटकारा का लिंक? छिटकारा का ये तो अब छिटकारा का तो मेरे को देखना पड़ेगा जाके। चलो अब मैं थोड़ा सा, मुझे याद आ गया मैंने कहाँ पर डाल रखी है छिटकारा का लिंक। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ छिटकारा का, मैं लिंक आपको दे दूँ आप सभी को ताकि आप लोग अप्लाई कर पाएँ। और कितने लोग चाह रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट थापर ट्रिपल ई और मणिपाल ट्रिपल ई ले लो क्योंकि मणिपाल का फीस कम है इन कंपेरिजन टू थापर, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीस बचा लो। देख लूँ मैं थोड़ा सा चंडीगढ़ छिटकारा कहाँ है जी। 80% पे गलगुटिया कॉलेज में नहीं होगा, 80 पे नहीं देगा गलगुटिया, मुश्किल है एकदम इम्पॉसिबल है। बाकी मैं एक बार देख रहा हूँ। भैया नोएडा के लिए लोन लेना वर्थेड है? GIT नोएडा के लिए मैं बोलूँगा लोन वगैरह मत लो, लोन लेना अच्छी चीज़ नहीं होती यार। मैं बोलूँगा थोड़ा सा ऐसे कॉलेज में चले जाओ जहाँ आपको कम फीस वगैरह पे करनी हो, है ना। देन एक तो एजुकेशन लोन भी आपको कम लेना पड़ेगा, हो सकता है आप एफर्ट भी कर जाओ। छिटकारा के लिंक मुझे मिल गया, मैं एक बार लिंक दे दूं यार, बस वही मैं देख रहा हूँ, थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दूं। मिल गया है लिंक, मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, ठीक है। यार अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और एक बार लाइक कर दो सारे लोग, सबका हम रिप्लाई करेंगे। ग्राफिक रा डीम्ड और ग्राफिक रा हिल उत्तराखंड, ग्राफिक रा डीम्ड छिटकारा का मैं सबसे टॉप में डाल दे रहा हूँ। जितने भी लोग अप्लाई करें तो एक बार वो अपडेट जरूर कर दें हमारी टीम को, छिटकारा यूनिवर्सिटी। चलो भाई मैंने लिंक दे दिया है, काफ़ी बड़ा सा लिंक आया है। चलो अब भी और कुछ डाउट आ रहे हैं भैया, थापर और VIT EC, तो मैं बोलूँगा VIT में कम फीस लग रहा हो तो EC उधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्चुअली कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को एक मेजर फैक्टर के तौर पे प्रायोरिटी देता हूँ बिकॉज लर्निंग ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिमिलर होता है दोनों जगह। SRM गाजियाबाद CSE मिला है तो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं, आप और भी कुछ कॉलेज वगैरह देख सकते हो। नेम लेके बात कर रहे हैं, आर्यन त्यागी 92 PCM में 128 में CSE मिल सकता है क्या? मुश्किल है, आप एक बार लेकिन देख लो इन केस अगर आ जाए, लेकिन EC आपको 100% मिल जाएगा। 90% में सेकंड कैंपस में मिल सकता है क्या कोई भी ब्रांच? एक बार EC देख लो भाई, कुंज गुप्ता 5 ईयर वाला या 5 ईयर वाला या तो फिर 128 वाला EC। गगन चौधरी भैया थापर और VIT फॉर CSE, तो मैं बोलूंगा दोनों में से जहां पर कम इन्वेस्टमेंट लग रही हो वहां पे चले जाओ, लर्निंग दोनों में बराबर है, एक्सपोजर दोनों बराबर है। भैया दयालबाग आगरा, यार दयालबाग के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि इनका अभी चल रहा है बीटेक या बंद हो गया है। हर साल मैं अभी मैं इस कॉलेज के बारे में मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इस कॉलेज को मतलब लोग बोलते हैं ठीक है लेकिन मुझे नहीं सही लगता है, इसलिए अभी इस पर हमने आज तक कोई रिसर्च या रिव्यू वगैरह नहीं किया हुआ है। आप लोग बोलेंगे तो हम एक बार इस पर जरूर अपडेट कर लेंगे। अभी तक यार जितने भी लोग देख रहे हो लाइक करते जाओ भाई, और कुछ नए नए बच्चों का नाम बोलें। प्रखर गुप्ता, प्रखर श्रीवास्तव,
हाँ दयाल बाग आगरा हम एक बार देखेंगे, कुछ खास नहीं है, वैलेंट गुड है जितना मैंने सुना हुआ, यूपीएस और ग्राफिक रहा। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो यूपीएस चले जाओ, दोनों में से वन ऑफ द बेस्ट देखना चाह रहे हो तो यूपीएस बेस्ट है। और देन यूपीएस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दिया होगा, जेई और 10+2 में अगर अच्छा कर रखा है तो उस पर भी स्कॉलरशिप वगैरह भी चलेगी, देन उस पर भी एक बार देख लेंगे। एक्चुअली इसमें क्या है कि कुछ ही बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, ऐसा जब इतने सारे बच्चों का 90 अबव आ गया तो सबको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में कि अगर आप हमारे थ्रू रेफरेंस से वहाँ पे लेते हैं या फॉर्म फिल करते हो, देन एक बार ये क्या है ना कि आप एज एन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, तो देन आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो कर ही देगा कॉलेज, जितना भी स्कॉलरशिप वगैरह लगेगा वहाँ से। मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, घर के पास वाला मिल रहा है। अभी आपको पता नहीं घर के पास में आपको कौन है, राज दुबे भैया 75% पैकेट ड्यू में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के कोई ब्रांच मिलेगा तो मुश्किल है यार, लेकिन देख लो अगर इधर लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह में इधर इधर एक ऑप्शन बन सकता है। जितने भी लोग गवर्नमेंट के लिए बात कर रहे हैं एक बार जरूर हमारी टीम से कंसल्ट कर लें, कि गवर्नमेंट को लेकर हम लोग एक अच्छा काउंसलिंग एक्सपीरियंस है हम लोग पास में, देन उसमें आपका बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस वगैरह कम। गगन चौधरी मैं बोलूँगा भाई, मेरा तो एक ईमेल आईडी है जो nikhil@karekhi.in करके है, अदरवाइज एक टीम का एक काउंसलर का मैंने नंबर आपको दे रखा है, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे से ही डिस्कस करके ही सारे लोग बताते हैं। अगर EKG में IT मिल रहा है तो मैं बोलूँगा IT ले लो भाई, क्या दिक्कत आ रहा है। कॉलेज वल्ला के नाम से किसी बच्चे ने बोल रहा है JSS नोएडा, JSS नोएडा ठीक है, सबसे पहले अगर UPTM में कहीं प्रायोरिटी देना हो तो JSS नोएडा को दो, उसके बाद में बाकी को कॉलेज, अगर GL बजाज में CS मिल रहा है तो GL बजाज का CS आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गलगोटिया भी आप ट्राई करो, गलगोटिया थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। अनीस वासने 85% पे JP आएगा, JP नोएडा प्लीज़, तो मुश्किल है। JP 128 MIT मुरादाबाद का यार एक समय हुआ करता था, उस कॉलेज का ब्रांड हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे कुछ खास नहीं है। ओके तो बेटा आप वरुण ना एक बार डिस्कस कर लो यार, देखो मैं अपना नंबर एक बार कमेंट कर रहा हूँ लेकिन मैं रिस्पांस नहीं करूँ कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा करो मैं ईमेल डाल देता हूँ, ईमेल तो मेरा डिस्क्रिप्शन पर भी होगा ना, चलो मैं ईमेल दे देता हूँ। तो हाँ यार ईमेल से याद है, कुछ बच्चों ने मुझे ईमेल किया था, आई डोंट नो कि वो अभी तक यार इस लाइव को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। nikhil@gmail.com मैंने डाल दिया, karekhi.in है भाई। कुछ बच्चों ने मुझे ईमेल किया हुआ था, तो अगर आप लोग भी ईमेल करेंगे या गूगल फॉर्म फिल करते हैं तो हम वहाँ से क्वेरी ले लेते हैं थोड़ी सी। श्रेयांश का डाउट भाई क्या है, मोहित कुमार JP 128 CSE 89 पर, नहीं CSE नहीं आएगा, और शुभम ठाकुर 89.6 पे, पंजाब COE थापर पटियाला देख लो बेटा एक बार, आपके पास रिजर्वेशन है। और श्रेयांश बोल रहे हैं विच इज बेटर थापर और VIT, तो मैं बोलूँगा VIT में जहाँ पर कम फील लग रही होगी वहाँ पर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अतुल का डाउट है, आई गॉट आ CSE ना सारम, अगर CSE मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है आप ले लो। AKG वर्सेस DIT, तो मैं बोलूँगा DIT बहुत बढ़िया है, AKG का उसके सामने डिफरेंस। अब वही हाल हो गया GL बजाज का कंपेरिजन JP नोएडा कर दिया। अगर देखो आपको कुछ भी कॉलेज कंपेरिजन कराना है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारे यहाँ पे, अगर हमारी टीम आपको उसको लेकर, अगर वो लोग क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारा एक कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारी टीम से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो उसमें क्या है कि आप ऐसे जब बात करेंगे देन हम आपकी पूरी प्रोफाइलिंग के हिसाब से कुछ एक बेस्ट सोल्यूशन या बेस्ट ऑप्शन दे पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं एक बार आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन पर, अगर कोई रजिस्टर करना चाहे तो कर सकता है वहां से। हाँ रजिस्टर करेंगे तो देन अभी काफी कुछ प्लान चल रहा है, फ्रीलांसिंग मॉडल वाला भी है, कुछ कोर्सेज का भी है ना, तो देन आप लोगों के लिए काफी कुछ लेके आने वाले हैं, अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, 5000 पे कुछ ना कुछ सरप्राइज हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। हम लोगों का क्या है ना कि कॉलेज वाले बच्चे जो जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ लाते रहते हैं छोटे मोटे चीज़ें, जैसे इंटर्नशिप का हो गया, फ्री इंटर्नशिप का है, और देन लर्निंग और अर्निंग का कॉन्सेप्ट है, तो देन दोनों चीज़ें आप सीख सकते हो। रजिस्टर फॉर कॉलेज प्रेडिक्शन एंड कॉलेज कंपैरिजन,
और क्या डाउट आ रहा है भैया 94.5 पे? जैसे कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको मैं बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा, तो अब उसका मीनिंग ये तो नहीं हुआ एडमिशन नहीं लेंगे, आपको कहीं ना कहीं तो लेना ही पड़ेगा। अब आपको वो कौन सा कॉलेज मिलेगा वो थोड़ा सा समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआरएम एपी वर्सेस जेआईआईटी, तो मैं बोलूँगा ब्रांड वैल्यू ऐसा अभी के लिए फिलहाल आप जेआईआईटी प्रेफर करो, अगर जेआईआईटी में आपको मिल जा रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, जाना चाहिए आपको। राज दुबे आप बताएं 60 और 80 के बीच में आरईसी मिलता है, तो मैं बोलूँगा 80 60 80 के बीच में आरईसी, तो अलग अलग तरह के हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, काफ़ी डिफरेंट तरीके के हैं, तो वो थोड़ा सा आपको टीयर समझना पड़ेगा। जैसे कि आरईसी बांदा की कट ऑफ तो काफ़ी जल्दी आती है, चितकारा में सीएससी कितने परसेंटाइल पर मिलेगा, 10+2 के भी आप पर भी आप चितकारा में अप्लाई कर सकते हो, लिंक मैंने कार्तिक गुप्ता डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो जाकर आप अप्लाई कर दें और वहाँ से जो भी कैशबैक वगैरह होगा आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हो। कैशबैक भी होता है अप्लीकेशन फॉर्म में, जो 1000 रुपीज़ का है तो उसमें कैशबैक वगैरह आपको मिल जाता है। और चलो और भी डाउट आ रहे हैं अभी के लिए फिलहाल, भाई एमआईटी और एवरेज प्लेसमेंट तो 3.5 होगा मेरे अकॉर्डिंग, थोड़ा सा एक्सपोजर से भी दूर है मेरिट में, तो देन फर्क पड़ता है कहाँ पर, सॉरी कहाँ पर एग्जिस्टिंग कॉलेज है। वेटिंग चितकारा और वेटिंग फॉर आईपीयू काउंसलिंग, तो मैं बोलूँगा चितकारा और आईपीयू में, अब आपका आईपीयू के देखो कहना कि जो लोग प्लान कर रहे हो आप काउंसलिंग में जाना चाह रहे हो, काउंसलिंग अपियर करना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आपको कम से कम ये तो आप एक अपने प्रोफाइल के भी आप पर एक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन निकाल लो कि आपको क्या मिलेगा, मतलब आईपीयू में अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या उससे बेटर बेटर है चितकारा से बेटर आपको वहाँ पर मिल रहा है, तो देन आप वेट करो, अगर वहाँ से बेटर नहीं मिल रहा है तो देन फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि अभी आप डिसीजन ले लो, क्योंकि बाद में डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बाद में डिसीजन लेने में काफ़ी बार ऐसा होता है कि फिर आपको या तो स्कॉलरशिप नहीं दे रहे होंगे, या तो एडमिशन नहीं मिल पा रहा होता है, या तो फिर वो दूसरे स्पेशलाइजेशन में रिकमेंड करते हैं, अभी आपका चॉइस वगैरह का स्पेशलाइजेशन वहाँ पर अवेलेबल है तो मिल सकता है। जीएलए मथुराल गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो मैं बोलूँगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी प्रेफर कर लो, अगर इन दोनों से बेटर चाह रहे हो तो मैं बोलूँगा चितकारा चले जाओ। और जो लोग थोड़ा सा डीआईटी भी अगर प्रेफर कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा डीआईटी भी चलेगा, लेकिन फीस वाइज थोड़ा सा डीआईटी ज़्यादा है, जेपी कितना फीस है उसका, डीआईटी किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, तो आप एक बार मेरे टीम से डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं उसके लिए। एमआईटी एलयू की कोई एमआईटी लूँ या कोई प्राइवेट, एमआईटी आई थिंक मणिपाल या एमआईटी पुणे, कौन सा? जेपी सोलन कैसा है? मैं बोलूंगा कि अगर हिमाचल से हो तो सोलन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपी या एमपी या राजस्थान से जाकर सोलन में क्या करोगे? भैया 95.5 में सीएससी थापर आउटसाइड, एक बार देख लो बेटा आ जाएगा, आ जाएगा 95 वाले का आ जाएगा जो थापर का है। एसआरएम एपी और जेआईटी, तो मैं बोलूंगा जेआईटी मेन कैंपस ज्यादा बेटर है, और बाकी अदर कैंपसेस से जब सोलन या गुना की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा एसआरएम एपी ले लो। आरवी वर्सेस थापर, तो आरवी अपनी जगह एक कॉलेज है और थापर एक यूनिवर्सिटी है, तो दोनों का कंपेरिजन करना बड़ा मुश्किल है, एक तरह से मैं बोलूँगा कंपेरिजन नहीं किया जा सकता और दोनों बेस्ट है, तो मैं बोलूँगा अगर आपको थापर अभी मिल रहा है तो अभी थापर ले लो, जब आपको आरवी मिले तो देन आप दोनों में कंपेरिजन कर सकते हो, कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच मिला है आपको, फिर उसके भी आप पर आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आरवी में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कम है, फीस कम है, थापर की फीस ज़्यादा है, और प्लेसमेंट दोनों के बराबर है यार। जेपी में नहीं, जेपी में डोनेशन से नहीं हो सकता है, काउंसलिंग प्रोसेस पे लोग अलग अलग तरह से डीलिंग करते हैं, इस पे बहुत क्लियरली बता दूं, तो दिन में काउंसलिंग के भी आप पर होता है, अगर आप काउंसलिंग चाहोगे तो आप हमारे यहाँ से भी ले सकते हो, सर्विसेज अवेलेबल है हमारे यहाँ पर भी, उसके लिए आपको हमारी टीम से कंसल्ट करना पड़ेगा। जो भी लोग कराना चाह रहे हो काउंसलिंग के लिए मोस्ट वेलकम है, आप चाह रहे हो अगर मैं काउंसलिंग करूँगा आपकी तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। पीएसआईडी वर्सेस एक्सेस कॉलेज में कौन सा सीएससी, तो मैं बोलूँगा पीएसआईटी बढ़िया है, लेकिन मैं बोलूँगा पीएसआईटी लेना नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में, उससे बेटर है कि आप उतनी फीस में कॉलेज फीस प्लस हॉस्टल फीस आप थोड़ी सी एड ऑन करके बढ़ाओगे अपनी 50,000 रुपये, आपको और इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 1,80,000 पीएसआईटी का फीस है सीएस का, थोड़ा सा इंक्रीमेंट करोगे तो आपका 2,50,000 रुपये में एकदम बेस्ट कॉलेज मिलेगा, और आप अच्छी जगह पर रहकर कुछ सीख पाओगे। यहाँ पर क्या है ना कि वही 3.5 और 4.5 के बीच का ही पैकेज रह पाएगा। डीआईटी वर्सेस चितकारा, तो मैं ऑन दैट सिचुएशन बोलूंगा कि डीआईटी ज्यादा बेटर है आफ्टर देन चितकारा। अब थोड़ा सा लोकेशन का भी इश्यू फंस जाता है, स्कॉलरशिप का भी इश्यू फंसेगा, तो काफी सारी चीजें हैं,
अगर इन केस आप DITH कारा में से कोई भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो देने एक बार मेरी टीम से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप हम आपको गाइड करेंगे तो हम आपको तरीका बता सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में तो एज सच ऐसा कुछ है नहीं कि अगर आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं करोगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन आपको स्कॉलरशिप मिलने के तरीके मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कॉलेज मुझे तो स्कॉलरशिप नहीं देगा यार, लेकिन आपकी प्रोफाइल पे आपको कैसे मिलेगा वो मैं बता सकता हूँ। अब रिफंडेबल पॉलिसी आप एक बार चेक कर लेना, बेनेट कैसा है, बेनेट भी ठीक ठाक है, अगर आप बेनेट अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप बेनेट अप्लाई कर दीजिए, है ना। बस एक मैं बोलूंगा कि अगर आप बेनेट के लिए प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वगैरह उसका पता कर लूँ, कितना फीस वगैरह है, क्या है बेनेट का, तो वो हम एक बार आपको बता देंगे। बेनेट से मुझे भी याद आ गया, कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे, उनका कैशबैक जाना है। RVC एकदम परफेक्ट है, RV में कोई दिक्कत नहीं है, RV बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। तो यार चलो ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो और हम वीडियो वाइंड अप करते हैं। हाफ एन आवर का लाइव सेशन था हमारा, आज का शॉर्ट था, और देन अब फिनिश करते हैं। तो जिनको जिनको भी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, वो हमारी टीम से जाकर डिस्कस कर लें। तो आई होप, अब देखता हूँ कल मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा सा कंटेंट, कुछ डेटा लेकर आ पाऊँ। अभी थोड़ा सा बस 2 मिनट और बात करूँगा, आप लोग लाइक करते जाओ और मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि आप जो आगे का कंटेंट डिलीवरिंग जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट कॉलेज पर होना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज पर होना चाहिए, किस पे होना चाहिए। DIT वर्सेस ग्राफिक गिरा वर्सेस छिटकारा, तो मैं बोलूंगा जो ग्राफिक गिरा जाना चाह रहा है तो वो UPS जा सकता है, और UPS इन सबसे बेटर रहेगा। थैंक यू फॉर हेल्प सर, वेलकम भाई। आप लोग जाने नहीं देते मुझे, मैं फिर इंगेज हो जाऊंगा। लाइक कर दो एटलीस्ट, लाइक नहीं कि बहुत कम लोगों ने लाइक किया हुआ है। UPS और फीस, तो फीस ऑलमोस्ट सेम है, अगर आप उत्तराखंड डोमिसाइल है तो बराबर फीस है दोनों का। गर्ल्स हो तो 33% स्कॉलरशिप ऑप्शन है, अदरवाइज 10+2 और JEE की भी आप पर भी स्कॉलरशिप है। उसके लिए आप एक बार डिस्कस कर लो हमारी टीम से, आप कंपेरिजन करा लो, बहुत ज़रूरी है। कितने लोग चाह रहे हैं कि मैं वेबिनार करूं और उसमें मैं बता पाऊं प्रॉपर, कुछ लिमिटेड सीट रखूंगा 50 बच्चों की, उसमें कितने लोग चाह रहे हैं कि मैं प्रॉपर वेबिनार करके उनको सारा गाइड कर दूं, एक एक बच्चे का पूरा काउंसलिंग करके, तो एक बार मुझे बताओ कमेंट करके, वेबिनार रखा जाए तो बस एक बार यस लिख देना जितने लोग वेबिनार चाह रहे हैं। असारम सोनीपत बढ़िया नहीं है, असारम सोनीपत बढ़िया नहीं है, उसके बढ़िया ITS इंजीनियरिंग कॉलेज है, JNIOT ग्रेटर नोएडा है, NIT है, जेल बजाज है, गलगोटिया है, इन सब में चले जाओ विदाउट कॉम्पिटिशन, आप जा भी सकते हो यहाँ पे। हाँ एक बच्चे ने यस बोला है, यस। कितने लोग चाह रहे हैं कि एक वेबिनार रखा जाए, प्लीज कमेंट। 20+ LP आप प्लेसमेंट पा सकते हो सारम में, ऐसा नहीं है, यस। और भी लोग बताओ भाई, वेबिनार नहीं चाह रहे हो क्या? 50 सीट का हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, 50 सीटों का, ताकि मतलब कम से कम 50 बच्चों की तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, एटलीस्ट रोज लाइव आना पड़ रहा है। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि सर बच्चों का वही छोटी छोटी क्वेरीज हैं, तो एक 50 अगर बच्चों का आप काउंसलिंग कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्जेस वगैरह नहीं है, है ना, कोई चार्जेस नहीं वेबिनार के, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, यस यस ओके। थापर यूनिवर्सिटी का फॉर्म मिलेगा अभी, हाँ आई थिंक अभी अवेलेबल है, और आज JP का भी लास्ट डेट है, यस यस। तो ठीक है, वेबिनार प्लान कर दें 50 बच्चों के लिए, और एक फ्री गाइडेंस फॉर्म दे रखा होगा, उनमें से हम जो ऊपर से कुछ बच्चे हैं हम उनको मतलब लेंगे, तो जल्दी से फिल कर दो जिसने, क्योंकि टाइमिंग भी एक्सेस होती है, तो जिसने अभी तुरंत रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसको मैं एक बार जरूर उसके इनवाइट करूंगा, तो बिल्कुल ठीक है। तो यार लाइक कर दो सारे लोग, MIT मेरठ के बारे में अब क्या ही बोलूँ मैं। बाय। सर सीट 100 कर दो, 1 सेकेंड। सीट 100 में क्या ना थोड़ा सा रस हो जाता है, आप लोग कॉपरेट नहीं करते। मैं 50-50 करके मैं 2 बार कर लूंगा, लेकिन अभी मेरा जो है प्लान 50 का ही है, क्योंकि 50 बच्चे रहेंगे, थोड़ी सी डेकोरम मेंटेन रहती है, और देन अच्छे से हम लोग बात भी कर पाते हैं, क्योंकि फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम आएगा। तो एक फ्री गाइडेंस फॉर्म दिया होगा डिस्क्रिप्शन पर,
आप उसमें जाके कर सकते हो। एक सेपरेट काउंसलिंग चाह रहे हो तो उसका भी रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने दे रखा है, आप उस पर भी रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाकर आप कर सकते हो। कुछ डाउट क्वेरीज हैं आगे के लिए, गाइडेंस को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो चलो ठीक है, अभी 50 सीट का इंटेक है, और जो जो लाइव जैसे अभी चल रहा है, जो अभी हाफ एन आवर के अंदर करेंगे या जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन होगा उनको 50 स्टूडेंट को हम इन्वाइट करेंगे। ठीक है, बाय बाय। लाइक कर दो यार, सारे लोग लाइक नहीं किया हुआ है, देन उसके बाद में बंद करूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी, एटलीस्ट लाइक तो मिलेंगे। लाइक कर दो भाई, VIT वर्सेस थापर। ठीक है, VIT वर्सेस थापर नेक्स्ट वीडियो एक बार देखता हूँ इस पर, अगर और लोग बोलेंगे तो करेंगे। 96 में थापर में CSE कोर ब्रांच तो नहीं आएगा, बाकी जो बिजनेस सिस्टम वगैरह उसका आ सकता है। अनन्या मित्तल 91 पे सेक्टर 62 मुश्किल है मिलना, 5 ईयर वाला प्रोग्राम एक बार देख सकते हो, अदरवाइज अदर कैंपस में आप एक बार देखो 128 वाले में, और JP में 6 लाख तक, हाँ इतना लोन ले सकते हो, 6 लाख तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पैकेज फिर 20-25-30 वाली तो उठाओ कम से कम।